मोदी कैबिनेट में फेरबदल के पहले एक और मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से करीब 20 महीने पहले मोदी कैबिनेट का संभवतः आखिरी फेरबदल रविवार सुबह 10 बजे होगा। माना जा रहा था कि फेरबदल 2 सितंबर यानी कि आज हो सकता है, लेकिन अब इसके लिए 3 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। ब्रिक्स समिट के लिए नरेंद्र मोदी के चीन रवाना होने से पहले नई टीम राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में शपथ लेगी। 10 से 12 मंत्रियों की छुट्टी कर उन्हें संगठन में लाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही करीब 18 से 30 मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उनकी छटनी हो सकती है। खबरें हैं कि सरकार ने अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर ऑडिट कराया था। इसी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से मंत्रियों को बदला जाएगा या फिर उनकी छुट्टी की जाएगी। इसके साथ ही सरकार में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो संगठन में अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को संगठन में वापस भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव में 20 महीने बचे हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी संघ और सरकार के रणनीतिकार फेरबदल में देरी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि सरकार और संगठन को नई टीम मिले ताकि केंद्र अपने गवर्नेंस की रफ्तार बढ़ा सके और पार्टी संगठन अपनी चुनाव तैयारियों पर फोकस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।